नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का नया वीडियो लेकर आए हैं और प्लेलिस्ट में ऐड करते हैं राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्शन। दोस्तों, रिकर्शन की मदद से हम जो स्ट्रिंग होगा उसको रिवर्स करने का आज जो है तरीका जानेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ आप हमारी वेबसाइट पर आकर इस प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से उठा लिया है प्रोग्राम को, और मैं आपको यहाँ पर कोड ब्लॉक पर लेकर चलता हूँ। ये हम कोड ब्लॉक पर आ गए हैं। आप देख रहे होंगे हमने लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और जो ये फंक्शन बनाया है हमने RevStr नाम का, उसके अंदर हमने एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग पास कर दिया है और हमने इसको यहाँ पर पॉइंटर की तरह कॉल कर लिया है दोस्तों। मेन फंक्शन में हमने तीन वेरिएबल लिए हैं IJK, एक लिया है str, उसका साइज़ दिया है 20। इसके अंदर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को लेंगे जिसको रिवर्स करना है। यहाँ पे हमने कैरेक्टर स्टार REV करके जो है आप देख रहे होंगे, ये हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है जिसको हमने पॉइंटर की तरह डिक्लेयर कर दिया है। अब हम नबी नंबर की लाइन को आप देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रिंग हम सामने वाले यूज़र से ले रहे हैं जिसको कि str के अंदर हम सेव कर लेंगे, और प्रिंट कराया जाएगा कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो परसेंटेज एस की मदद से, क्योंकि कैरेक्टर्स आने हैं, str से प्रिंट हो जाएंगे। डबल स्लैश लगा दिया है हमने, हम लाइन चेंज करने के बाद जो REV करके हमने जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर हमने एक फंक्शन लगा दिया है REVStr। और दोस्तों, ये करता क्या है, ये पर्टिकुलर जो है उस स्ट्रिंग की जो वैल्यू आएगी उसको रिवर्स कर देगा और प्रिंट करा देगा कि जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, getch, और यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। अब दोस्तों, ये जो हमने जो रेफरेंस दिया था, आप स्टार REV देख रहे होंगे, इसको कॉल किया गया है, और ऊपर जो फंक्शन है वो आप 16 नंबर की लाइन से देख रहे होंगे, उसको यहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है। एक होता है डिफाइन करना, नीचे हमने डिफाइन किया है, ऊपर हमने इसको डिक्लेयर किया था, और प्रोग्राम के अंदर मेन के अंदर हम इसको जो है कॉल करते हैं। तो हमने ये फंक्शन का नाम बना लिया है। यहाँ पर स्टैटिक हमने इंटीजर i की वैल्यू ले ली है 0। कैरेक्टर REV वेरिएबल हमने 20 साइज ले लिया है यहाँ पर स्टैटिक। अब चेक किया जाएगा कि अगर जो str है आपका, यहाँ पर आपने पॉइंटर दिया है दोस्तों, ये रेफरेंस लेगा, एड्रेस लेगा, और REVStr में जो है str को +1 करता जाएगा, और आपके पास जो REV आप देख रहे हैं जिसमें वेरिएबल है उसको i++ किया जाएगा, और हम उसकी वैल्यू जो है लेके कहाँ से, जो आप देख रहे हैं यहाँ *str लिखा हुआ है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो i++ होके REV में सेव हो जाएगी, और लास्ट में हम रिटर्न करा रहे हैं REV वैल्यू को। ये वेरिएबल है, इसका नाम है, और मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखाता हूँ। जैसे ही आप रन बिल्ड करेंगे तो ये देखिए, ये लाइन चल गई है, 90 नंबर की लाइन आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है स्ट्रिंग एंटर कीजिए, मैं अपना नाम जो है यहाँ एंटर कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया, अगली लाइन चल गई कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ये था, रिवर्स कर दिया गया है इसको, और पूरी स्ट्रिंग को जो है चेंज कर दिया गया है दोस्तों। और ये जो फंक्शन आप 16 नंबर से 25 नंबर की लाइन में देख रहे हैं, रिकर्शन का इस्तेमाल करने के साथ ही इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को जो है बना सकते हैं। मैं एक बार और इसको आपको रन करा के दिखा देता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने कॉलेज लिख दिया है, तो ये देखिए, ये इसने जो है इसको यहाँ पर एज इट इज़ रिवर्स कर दिया है। तो दोस्तों, ये एक आसान सा प्रोग्राम था स्ट्रिंग को रिवर्स करने का रिकर्शन के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।